नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 31 मार्च गुरुवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर में सीरियल बम ब्लास्ट करने की साजिश रची गई थी। आरोपी पूरी प्लानिंग में थे, लेकिन इससे पहले ही निम्बाहेड़ा में जयपुर और चित्तौड़गढ़ पुलिस टीम ने रतलाम MP के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की कार से बम बनाने की सामग्री, टाइमर और करीब 8 से 10 किलो RDX बरामद किया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि जयपुर में तीनों आरोपी जयपुर में 3 जगह बम ब्लास्ट करने के लिए निम्बाहेड़ा में बम बनाकर दूसरी गैंग को देने वाले थे, लेकिन पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उदयपुर और जयपुर ATS टीम भी निम्बाहेड़ पहुंच गई। पुलिस और ATS को शक है कि तीनों आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दौसा जिले के लालसुर थाना क्षेत्र में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत पर FIR होने से परेशान महिला डॉक्टर के सुसाइड मामले में सरकार एक्शन मोड में आ गई है। दौसा SP अनिल कुमार को SP सिविल राइट्स में लगाया गया है। साथ ही लालसुर डिप्टी को APO और SHO अंकेश चौधरी को निलंबित कर दिया गया है। जयपुर संभागीय आयुक्त दिनेश कुमार यादव को पूरे मामले की जाँच सौंपी गई है। CM अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री आवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्देश दिए। वहीं धौलपुर में डिस्कॉम ऑफिस में AN और GN को पीटने के मामले में भी SP शिवराज मीणा को वहां से हटाकर SPCID मानवाधिकार जयपुर में लगाया है। CM ने पुलिस अफसरों को निर्देश दिए कि इस घटना में महिला डॉक्टर को सुसाइड के लिए मजबूर करने वालों पर मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने इस प्रकार की घटनाओं को रोकने व आवश्यक सुझाव देने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का संशोधन परिणाम घोषित कर दिया है। द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए 35,490 कैंडिडेट के रोल नंबर जारी किए गए हैं। वेबसाइट पर कैंडिडेट रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज कर परिणाम देख सकते हैं। RRB द्वारा द्वितीय चरण की परीक्षा की तिथि शीघ्र ही जारी करेगी। RRB ने वेतन लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 और लेवल 6 के लिए अलग अलग अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया है। सभी कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ भी जारी की गई है। RRB द्वारा 7 CPC लेवल 2 के 4,727, लेवल 3 के लिए 3,481, लेवल 5 के लिए 15,734 और लेवल 6 के लिए 11,548 अभ्यर्थियों के रोल नंबर जारी किए हैं। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में बकरा खरीद के बाद उधारी के पैसे चुकाने पर मिली बख्शिश बांटने को लेकर चाचा और भतीजे में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि भतीजे ने चाचा की पत्थरों से पीट पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी भतीजे को डिटेन कर लिया है। पुलिस ने बताया कि अश्विन फनात ने रिपोर्ट दी है कि उसके पिता शंकर फनात परिवार के चाचा देवीलाल शांतिलाल तेजाराम से मिलकर देवल सतियाल फला निवासी सोहनलाल से उधारी में 6,000 रुपये में बकरा खरीदा था। बकरे के पैसे देने सभी देवल गए। यहां सोहनलाल को 6,000 रुपये देने के बाद उसने बख्शिश में 200 रुपये वापस दिए, जिसे शंकर फनात ने अपने पास रख लिए। बख्शिश के रुपये बांटने के लिए विवाद हो गया और शांतिलाल ने उसके पिता शंकर की हत्या कर दी। नागौर जिले के खीमसर में ACB ने खीमसर पंचायत समिति में कार्यरत JTA पूनमचंद सुथार को 20,000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी JTA पूनमचंद सुथार ने परिवादी ठेकेदार से निर्माण कार्यों के बकाया 10 लाख रुपये के भुगतान के एवज में 5% कमीशन के रूप में 48,000 रुपये की रिश्वत राशि की डिमांड की थी। एक दिन पहले शिकायत सत्यापन के दौरान उसने 10,000 रुपये भी ले लिए थे। इसके बाद ACB ने जाल बिछाया। इस दौरान परिवादी ठेकेदार ने आरोपी JTA पूनमचंद सुथार को 20,000 रुपये की रिश्वत राशि सौंपी, जो उसने ले ली। इसके बाद परिवादी टॉयलेट करने चला गया। इशारा मिलते ही ACB टीम वहां पहुंची, पर जब तक ACB टीम उसे पकड़ती तब तक उसने रिश्वत राशि इधर उधर कर दी। ACB टीम ने उसे पकड़कर हाथ धुलाए गए तो रंग मिल गया, लेकिन फिलहाल उसे रिश्वत के 20,000 रुपये नहीं मिले हैं। बरामदगी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने की घोषणा के 6 घंटे बाद ही गहलोत सरकार ने भी DA बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। CM अशोक गहलोत ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA 3% बढ़ाने की मंजूरी दी है। अब राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2022 से 34% महंगाई भत्ता मिलेगा। अब 31% DA मिल रहा था। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा 8 लाख अफसर कर्मचारियों के साथ ही 4,40,000 पेंशनर्स को मिलेगा। पंचायत समिति और जिला परिषद के वर्क चार्ज कर्मचारियों को भी बढ़ा हुआ DA मिलेगा। कर्मचारियों की 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक का 3 महीने का बढ़ा हुआ DA उसके जनरल प्रोविडेंट फंड खाते या सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी।
बीकानेर जिले के बिजवाल थाना क्षेत्र में एक बार फिर एक बड़ा हादसा हो गया। डिग्गी में नहाने गए दोस्तों में दो की डूबने से मौत हो गई। दोनों युवकों को डिग्गी से निकालकर उनके साथी ही पीवीएम अस्पताल लाए थे, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि हुसंगसर के पास 3 MGM चक में डिग्गी बनी हुई है। इसमें प्रेमा सर और बीकानेर के भीमनगर के युवक जो आपस में रिश्तेदार हैं नहाने गए थे। नहाते वक्त 17 साल का देव किशन और 24 साल का पुखराज इसमें डूब गए। साथ ही तैराकी कर रहे कुछ युवकों ने इन्हें रस्ते से सहायता से बाहर निकाला और अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक इनकी मौत हो चुकी थी। शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सांख्यिकी अधिकारी समीक्षा परीक्षा 2021 के मॉडल आंसर की जारी कर दी गई है। यदि किसी भी अभ्यर्थी को इस पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 2 अप्रैल से 4 अप्रैल को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। आयोग द्वारा 18 दिसंबर 2021 को इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही दर्ज करनी है। इस परीक्षा की मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपत्ति प्रमाणिक पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्ट करें। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। 100 रुपये आपत्ति शुल्क देना होगा। भरतपुर जिले के उज्जैन थाना क्षेत्र के बखरौली गांव में एक युवक ने घर पे फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जब उसकी पत्नी सोकर उठी तो पति फांसी के फंदे से लटका हुआ था, जिसके बाद पत्नी ने शोर मचाया और घर के लोग कमरे में पहुंचे। व्यक्ति को तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि लखविंदर अपनी पत्नी के साथ कमरे में सोया हुआ था। जब लखविंदर की पत्नी सोकर उठी तो लखविंदर फांसी के फंदे से लटका हुआ था। पुलिस के अनुसार लखविंदर की मौत के कारणों का पता नहीं लग पाया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। लखविंदर की शादी 1 साल पहले हुई थी। जयपुर जिले के महेशनगर थाना क्षेत्र से 3 फरवरी को स्कूल से लापता हुई दोनों नाबालिग बहनें आखिरकार 55 दिन बाद पुलिस को मिल गई हैं। दोनों बहनें लखनऊ में डोर टू डोर घरेलू सामान बेच रही थी। लखनऊ पुलिस और जयपुर कमिश्नरेट ने दोनों नाबालिग बहनों के सैकड़ों पोस्टर और ग्रुप में फोटो रिलीज किए थे। इन्हीं के जरिए पुलिस को एक लीड मिली। इसके बाद पुलिस बच्चियों तक पहुंची। पुलिस के अनुसार अवधेश की बेटी भावना और रमा कंवर गायब हो गई थी। दोनों बहनें 12वीं और 11वीं की छात्रा हैं। दोनों बहनें एक निजी स्कूल में पढ़ती हैं। दोनों बहनें 3 फरवरी को स्कूल से लगभग 10:30 बजे बाहर निकली थी। इसके बाद से लापता हो गई थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि बच्चियां लखनऊ में रहकर डोर टू डोर मार्केटिंग कर रही हैं। पुलिस मौके पर गई और बच्चियों को समझाकर अपने साथ लेकर आई। हालांकि दोनों बहनों ने घर से निकलने की बात पुलिस को अब तक नहीं बताई है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।